अजय देवगन और करीना कपूर स्टारर सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। फिल्म ने कमाई के मामले में अजय देवगन और रोहित शेट्टी को खुश कर दिया है। रिलीज के पहले ही दिन सिंघम अगेन ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोहित शेट्टी ने जो सोचकर सिंघम अगेन को दिवाली पर रिलीज किया था, उनका वो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अजय की फिल्म पर मां लक्ष्मी ने धन की वर्षा कर दी है। रिलीज के पहले ही दिन सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है। पहले दिन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स के पांचवें पार्ट ने पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, यानी खुद अजय देवगन ने अपना ही 10 साल पुराना रिकॉर्ड चूर चूर कर दिया है। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन को बनाने के लिए 350 से 375 करोड़ का खर्चा किया है। देखा जाए तो ये एक बड़े बजट की फिल्म है। सेक्निल्क की ताजा रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ का शानदार बिजनेस कर लिया है। सिंघम अगेन अजय देवगन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। इससे पहले अजय की किसी भी फिल्म ने पहले दिन ये आंकड़ा नहीं छुआ है। साल 2014 में जब सिंघम रिटर्न्स आई थी तो इस फिल्म ने भी छप्पर फाड़ कमाई कर सभी को खुश कर दिया था। सिंघम फ्रेंचाइजी का ये दूसरा पार्ट था। इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 31.68 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। हालांकि सिंघम अगेन ने अब इसका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। अजय की कॉप फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट सिंघम अगेन पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। रोहित शेट्टी ने साल 2011 में सिंघम फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट सिंघम बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया था। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.94 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि ये फिल्म हिट थी। इस पिक्चर के बाद रोहित शेट्टी ने इसे एक बड़ा रूप देते हुए कॉप यूनिवर्स पर काम शुरू किया। अजय देवगन के लिए तो सिंघम अगेन किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है। उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म छप्पर फाड़ कमाई करेगी।